बाबा बालक थपोस्थली सातलाई में व्यापारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। व्यापार मंडल तलाई के अध्यक्ष राजेश कौशल ने कहा कि सरकार की ओर से लगाए गए कोरोना कर्फ्यू अनुभवहीन है। सरकार छोटे व्यापारियों के साथ भेदभाव कर रही है। सरकार को चाहिए या पूर्ण लॉकडाउन लगाए या सभी दुकानों को 2 बजे तक का खुलने का समय दिया जाए और 2 बजे के बाद संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए, बिना परमिशन किसी भी वाहन की आवाजाही ना हो, तभी इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। गौरतलब है कि भारत में बेकाबू कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना के हर रोज रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। सरकार कोरोना से निपटने के लिए अनेक नई पाबंदियां लगा रही है। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जब बिलासपुर जिला में कोरोना वायरस से किसी व्यक्ति की मौत ना हो रही हो। इसलिए लॉकडाउन में पुलिस और प्रशासन प्रयास कर रहा है कि लोग घरों से सुरक्षित रहे। फिर भी लोग अपनी दुकानों के बाहर छुप छुप के सामान बेचते देखे जा रहे हैं। सातलाई व्यापार मंडल की तरफ से हमारी सरकार से प्रार्थना है कि जो ये कर्फ्यू लगाया गया है और जिसमें कि जरूरी वस्तुओं की दुकानें की परमिशन सुबह 9 से 2 बजे तक दी गई है, उतनी ही परमिशन सभी दुकानों को दी जाए और उसके बाद जो है वो पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया जाए, जिससे कि हम कोरोना से भी निपट लेंगे और हमारे दुकानदार बंधुओं की भी स्थिति ठीक रहेगी और सभी को इससे सुविधा होगी। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि इस विषय पर पूर्णतः विचार करें और जो ये दुकानें का टाइम है वो सभी को मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।